रौनक ऐसा नहीं हो सकता, अब तक मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन ये चार चीजों की कंफ्यूजन के बाद अब मेरा नजरिया बदल गया। मेरी पहली कंफ्यूजन, हम अक्सर शादी ब्याह में तोहफे दिया करते हैं। मैंने भी अपने छोटे भाई के लिए एक ब्रेसलेट खरीदा था, रोज गोल्ड डायमंड स्टडेड, टोटल अमाउंट 4 लाख विद टैक्सेस। और वो भी शादी के एक दिन पहले, तो उसके बिल पे डेट क्या होनी चाहिए? शादी के एक दिन पहले की। लेकिन ये बिल जो मेरे पास है, डायमंड स्टडेड रोज गोल्ड आइटम कोड 5436 अमाउंट 4 लाख विद टैक्सेस, लेकिन उस पर डेट है शादी के एक दिन बाद की। मैं एक कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। मतलब शादी के अगले ही दिन एक और ब्रेसलेट खरीदा गया था, रोज गोल्ड डायमंड स्टडीड एग्जैक्टली सेम अमाउंट का। मतलब ऐसे दिखने वाले दो ब्रेसलेट थे, एक जो हाना मेरे पास लेके आई थी, जो मानसी के छत पे मिला था, जहां पर मानसी के साथ बलात्कार हुआ था, और दूसरा ब्रेसलेट ये जो रौनक के हाथ पर था, जो शादी के अगले दिन खरीदा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बिल मुझे कहां से मिला। आपके बिल में कुछ प्रॉब्लम है, ये 7 आइटम का बिल है और यहाँ पे सिर्फ 6 आइटम है। आप कौन से आइटम की बात कर रहे हैं सर? पता नहीं, मैं तो ये डायमंड ब्रेसलेट, एक्चुअली सर ये किनरी मैम मेरी शॉप से पहले ही लेकर जा चुकी हैं, और इसीलिए मैंने इसका बिल इसी बिल में ऐड कर दिया। डायमंड रोज गोल्ड ब्रेसलेट, ये तो रौनक, आई श्योर ये किनरी ने लिया है? हाँ सर, ये देखिए सर, दिस इज लिमिटेड एडिशन ब्रेसलेट, ये वाला सर, ये देखिए। और सर ये डील मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, एक तो एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव, और ऊपर से किन्नरी मैम खुद मेरी शॉप में आकर लेकर गई थी और साथ में कैश पेमेंट भी दी थी। इसकी कोई कैश रिसीट, कोई डेट कब खरीदा ये? हाँ सर है ना, ये देखिए सर, और सर इस पे डेट भी लिखी हुई, ये देखिए सर। उसी जूलर ने मुझे ये बिल दिया। अब मेरा कंफ्यूजन ये है कि जो छत पे मिला था वो रौनक का ब्रेसलेट था या ये रौनक का ब्रेसलेट है। मैं तो समझ नहीं पा रहा क्योंकि मैं पागल हूं, लेकिन आप सब लोग तो समझदार हैं, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि किस पे भरोसा किया जा सकता है। नरेन, ये क्या बोल रहे हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, याद है ना तुम्हें, मैं पागल हूं और कंफ्यूज भी हूं, तो अगर तुम मुझे बीच में टोकोगे ना तो हो सकता है कि मैं अपने सारे पॉइंट्स भूल जाऊं, इसलिए प्लीज लेट मी टॉक। मिलॉर्ड, ये थी मेरी पहली कंफ्यूजन, अब असली ब्रेसलेट कौन सा है ये रौनक तो बता ही देगा, ऐसे नहीं तो शायद पुलिस के 2-4 डंडे पड़ने के बाद। मिलॉर्ड, मेरा दूसरा कंफ्यूजन, ये देखिए इस पैकेट में एक बालों का गुच्छा है, ये बाल मुझे रौनक के शादी वाले कुर्ते पर मिले। रौनक के बाल तो इतने लंबे नहीं, ना ही मेरे बाल इतने लंबे और ना ही हमारे डैड के, हम सभी उसे गले मिले। अब अत्तू के तो बाल कलर्ड है और ये बाल ब्लैक है, और रोशाली जी मेरी मम्मी, वो तो कई हफ्तों से लंदन में है। बची आहना, आहना और रौनक का ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो एक दूसरे से गले मिले। अब ये बाल किन्नरी के हो सकते हैं, हाँ, लेकिन कंफ्यूजन, मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर इन बालों का डीएनए टेस्ट कराया।
और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि ये बाल मानसी मात्रे के। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे कपड़े घर पे ही नहीं थे। मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि शादी की रात को मेरे कपड़े भीग गए थे और हमने अपने कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे धुलवाने के लिए। हाँ है ना, ये सही कह रहे हैं, इनके कपड़े भीग गए थे। सॉरी रौनक, लेकिन पता नहीं तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हारे पल्ले सिर्फ पागल लोग ही लगते हैं। एक तुम्हारा बड़ा भाई और दूसरा वो पागल मेड। मेरी बात कोई नहीं मानेगा। तो ये रही वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट, तो मैं कोर्ट को दिखाना चाहूंगा। अब मैं कोर्ट को ये भी बताना चाहूंगा ये बाल मुझे कब कहां और कैसे मिले। वैसे भी आना का फेवरेट कलर है, बहुत अच्छी लगेगी आना इस साड़ी के अंदर। ये साड़ी तो मैं देख के अरे इस पे इतने लंबे बाल क्या अटके हुए। इतना गंदा क्यों हो रहा है। ये सब क्या है सर? ये रंगीन कपड़े हैं, इसे सफेद कपड़ों के साथ धो नहीं सकते हैं, इसलिए अलग से रखे हैं। ये अलग से धोने के लिए जाएंगे। ये कुर्ता किसका है? हाँ ये रौनक सर का है। अरे देखा क्या हुआ? मैं मर गई। किन्नरी मैम ने शादी के दूसरे दिन ये कुर्ता मुझे दिया था और कहा था कि इसे तुरंत धो देना। ये सफेद कपड़ों के साथ रख नहीं सकती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ रख गई और बाद में भूल गई। मुझे दीजिए, मैं अभी धो देती हूँ। नहीं नहीं, मैं इसे लॉन्ड्री में भेज दूंगा, कुछ ज्यादा गंदा हो गया। तुम बाकी कपड़े धुलवा देना प्लीज। और आप ये डीएनए रिपोर्ट डॉक्टर मेहरा से वेरीफाई करा सकते हैं। माय लॉर्ड, मेरा तीसरा कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे किसी को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मेरे ससुर जी, मिस्टर मात्रे, आप प्लीज खड़े होंगे। ये मेरे ससुर जी हैं, ये बहुत बुरे आदमी हैं, पीते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों को मारते हैं और उधार लेते हैं। लोगों से उधार लेके उन्हें पैसे वापस नहीं देते। कई बार तो मुझसे भी उधार लिया और मुझे पैसे वापस नहीं दिए। लेकिन की एक बात बहुत अच्छी है, ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। देखिए मुझे कुछ सबूत मिले मानसी के फेवर में। दरअसल मानसी जो कह रही है वो सच है, रौनक नहीं उसके साथ। और अगर ये हुआ है तो मुझे रौनक को सजा दिलानी होगी और मानसी को न्याय, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और लोग कहते हैं ना, जैसे तुम खुद इंसान होते हो वैसे ही तुम्हारे दोस्त भी बनते हैं। मेरे ससुर जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं घनश्याम जी, जो एक बियर बार चलाते हैं होटल रॉयल पैराडाइज के पीछे, वहीं जहाँ किन्नरी और रौनक अपनी सुहागरात के लिए गए थे। और आगे क्या हुआ ये खुद आपको घनश्याम जी बताना चाहेंगे। आप प्लीज खड़े होंगे। लॉर्ड, क्या ये खुद आके बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा? आप जो भी बताना चाहते हैं कटघरे में आके बताइए। नमस्ते मैडम जी, मैं घनश्याम, राघव मात्रे का दोस्त। उस रात हुआ यूं था कि अपन हमेशा की तरह अपने धंधे पर था। उस रात एक बेड़ों से अपनी भेड़त हो गई। उधर से अपन ने देखा कि यह आदमी होटल के पाइप से नीचे उतरा और सड़क पर भिखारी को मारकर भाग गया। तुम सच बोल रहे हो? जी मैडम जी, माँ भवानी की सौगंध। अपन शराबी, जुआरी, गुंडा, मवाली है, लेकिन मन का सच्चा है। राघव की बेटी अपन की बेटी, एकदम दिल से गवाही देने आया है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भी कंफ्यूज हो सकता है, मैं तो फिर भी पागल हूं। ये सब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा छोटा भाई है, लेकिन होटल की पाइप से क्यों नीचे उतरा? लिफ्ट या सीढ़ियां भी तो ले सकता था, लेकिन नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई पाइप से नहीं उतरा। मैं मानसी के संगीत में नहीं गया था, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। ठीक है, अगर रौनक कह रहा है उसने कुछ नहीं किया और मानसी के संगीत में नहीं किया था तो हम एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन मेरा चौथा कन्फ्यूजन, मिलॉर्ड, हम जब शादियों में जाते हैं तो फोटो जरूर खींचते हैं एक दूसरे की, अपनी, और मैं हाना और आना के परिवार की बहुत सारी फोटोज खींच रहा था अपने मोबाइल से। और जब वो फोटोज मैंने अपने आईपैड और
कंप्यूटर में ट्रांसफर की बिग स्क्रीन पर, तब मैंने एक फोटो में एक आदमी को देखा टेंट के पीछे। जब जूम इन करके देखा तो वो मेरा छोटा भाई रौनक। मानसी के संगीत और कोर्ट के लिए मैं वो प्रिंटआउट्स लेकर आया। और ऐसी कई सारी फोटोज मेरे फोन में, मेरे आईपैड में और मेरे कंप्यूटर में है। अब हमारे काबिल लॉयर मिस्टर शेखर बोल रहे थे ना कि शायद रौनक ने अपना क्लोन बना लिया, तो अगर क्लोन बना लिया है तो शायद ये कंफ्यूजन दूर होता है, लेकिन अगर क्लोन नहीं बनाया तो ये सारे कंफ्यूजन अगर हम एक साथ देखें तो मेरे सब कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। पाइप से उतरना, ये फोटोग्राफ्स, बाल और वो ब्रेसलेट का बिल, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद मैं ठीक हूँ, शायद मैं नहीं, लेकिन जब मैंने किंद्री को रौनक को धमकाते हुए सुना, मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। उस रात जब तुम मानसी के साथ बात कर रहे थे ना फोन पे, कॉन्फ्रेंस पे मैं भी थी, और मेरे पास उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग है। सो यू बेटर बी केयरफुल। तब मैं और कंफ्यूज हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि मैं एक मैड जीनियस हूँ। मेरा लॉजिक सेंस भले ही जीरो हो, लेकिन मेरा टेक्निकल सेंस बहुत स्ट्रांग है, 100%। और इसी की वजह से मैंने बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाए, इधर का डेटा उधर, ईमेल्स, वाईफाई, राउटर, ये सब कनेक्शन यूं कर लेता हूं। ऐसा ही कनेक्शन मैंने अपनी बहनी किंद्री के फोन से किया रौनक के बर्थडे पर। और उस फोन की रिकॉर्डिंग से मैंने जो भी सुना, मेरी कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होती गई। अब वही रिकॉर्डिंग मैं कोर्ट में आप सबके सामने सुनाना चाहूंगा। हेलो बेबी, इतना वेट क्यों कर रहा है मुझे? हाँ, मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही है, और वैसे तो कहने की वाइफ है, लेकिन मेरा दिल तो केवल तुम्हारे पास है यू नो। छी रौनक, कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वहाँ किंद्री जैसी डीसेंट लड़की तुम्हारे साथ है और किंद्री और डीसेंट है? I mean, you know, she's not my types. अगर मैं 1% सफाकत मना भी लेता हूँ ना किंद्री के साथ, मेरे दिल में सिर्फ तुम रहोगे। आप ये रिकॉर्डिंग की जांच भी करवा सकते हैं। अब ये सब देख के आप लोग ही मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए, क्योंकि मैं तो पागल हूं। अदालत इन सारे सबूतों को अपनी कस्टडी में लेने का हुक्म देती है। अभी अभी पाए गए सबूत, बाल, रिसिप्ट, फोटोज, कॉल रिकॉर्डिंग, इन सब को तुरंत टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाए। अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। मुझे नहीं पता कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, लेकिन मेरी नजर में तुम गुनहगार हो और हमेशा रहोगे, और इस बात की पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए। ये पहला थप्पड़ एक बेकसूर लड़की की इज्जत के साथ खेलने के लिए। दूसरा अपने भाई अपने परिवार से झूठ बोलने के लिए। जी तो चाहता तेरी जान ले, लेकिन जेल नहीं जा सकता, इसलिए छोड़ रहा हूं तुझे।
मैं फैसला सुनाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। इस दुनिया में हजारों अदालतें हैं और हजारों किस्म के मुकदमे लड़े जाते हैं। यहाँ पर भी कई किस्म के मुकदमे लड़े गए हैं। कभी न्याय हुआ है, कभी न चाहते हुए भी अन्याय हो गया है। लेकिन जो आज इस अदालत में हुआ वो हमारी कल्पना और समझ के बाहर है। दुनिया की किसी भी अदालत में ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा मुकदमा ना देखा न लड़ा। एक ऐसा आदमी जो समझदार लोगों की दुनिया में पागल माना जाता है और उसने समझदार लोगों के हाथों से होने वाली एक गलती को रोक दिया है, जिस पर सारी दुनिया बच्चलन होने का आरोप लगा रही थी, उसे उसने सही साबित कर दिया है, उसकी इज्जत बचा ली है। आज अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस लड़की को गलत साबित कर देते और रौनक कर्मकर को बाइज्जत बरी कर देते तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अदालत रौनक कर्मकर का न्याय करेगी, लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि गलती इसकी नहीं है, इसकी परवरिश की है। इसने कहीं छोटे मोटे गुनाह किए होंगे जिसपे बार बार पर्दा डाला गया हो, इसलिए आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इसने इतनी बड़ी गलती कर दी। मिस्टर नरेन कर्मकर, ए मैड जीनियस, लोग कहते हैं कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानती। नरेन वो इंसान है जो सही और गलत की हमसे भी ज्यादा अच्छी पहचान रखते हैं और सही के साथ खड़े रहने का साहस भी है। आदमी का दिमाग अच्छा हो और सोच खराब हो, इसे तो अच्छा है कि सोच अच्छी हो। हमारी सोच में खराबी है और यही सोच हमें बदलनी है। हर घर में सही संस्कार लाना है ताकि रौनक कर्मकर जैसे रेपिस्ट का समाज में निर्माण ही ना हो। अदालत के सामने आए गए सारे सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए रौनक कर्मकर को मानसी मात्रे के बलात्कार के जुर्म में दोषी साबित पाते हुए आईपीसी धारा 376 के तहत 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। हवलदार, ले चलो इन्हें। चलिए। नरेन, कंग्रेचुलेशंस नरेन। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब तुझे पहले से पता था कि तेरा भाई रौनक गुनहगार है, उसके खिलाफ जो भी सबूत थे तेरे पास, तूने मुझे क्यों नहीं दिए? क्योंकि तुम रौनक के लॉयर थे, मानसी के नहीं। ताई, तू जीजू से बात कर। ताई जाकर जीजू से बात कर। ममता, अगर आप नहीं होती तो हम ये केस कभी नहीं जीत पाते। सच्ची, थैंक यू सो मच। मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, ये जीत तुम्हारे पति की है। ऑल क्रेडिट्स गोज टू हिम। और हाँ, आई मस्ट टेल यू कि वो बहुत प्यार करते हैं तुमसे। ओके, चलो। शशांक, थैंक यू। प्लीज अंकिता, थैंक्स मुझे। मैं पराया हूं क्या? और वैसे भी इस थैंक्स का असली हकदार नरेन है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम ये केस हार जाते। कल को भूलो ना, कल तो बीता रे, सूनी चौखट पे देखो आज बैठा वहाँ फिर जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ।
तुम मेरी आना नहीं हो एंड आई हेट यू। मेरी आना मेरी फैमिली से प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती थी ना, तो मुझसे प्यार करती हो ना मेरी फैमिली से। इसलिए प्लीज जस्ट लीव अस अलोन, मेरे घर आ जाओ। मिस्टर करमरकर, आपने अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े होकर अपनी पत्नी का साथ दिया, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? आपके मुंह से जाना चाहेंगे प्लीज। क्या आपको लगता है ये सब होने के बाद आपका परिवार आपको एक्सेप्ट करेगा? आपके गवाही से पूरे केस का रुख ही पलट गया। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आपको आपके पत्नी के जीतने की खुशी ज्यादा है या फिर भाई के हारने का गम? मैम कांग्रेचुलेशंस, आप ये केस जीत गईं। कैसा लग रहा है आपको? शुरुआत में आपके पति आपके खिलाफ थे, लास्ट मोमेंट में उन्होंने आके आपकी हेल्प की। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? जिस घर के बेटे को आपने सजा दिलवाई है, अब आप उसी घर में वापस जाएंगी? आप और कुछ कहना चाहेंगे? देश की जनता जानना चाहेंगी आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर करमरकर, क्या लगता है आपको? मैं बस इतना ही कहूंगा कि आना सही थी। My wife was right. आप बताइए, कुछ तो बताइए ना। मैंने सिर्फ गुनहगार को सजा दिलाई और मेरी बहन को न्याय दिलाया और कुछ नहीं। नरेन चलो, नो क्वेश्चंस प्लीज, हमें प्लीज परेशान मत कीजिए। माय सन नीड्स रेस्ट नाउ। देखिए देखिए बाद में नरेन, कम विद मी, कम। चलो अंकिता मैम, कुछ तो जवाब दीजिए। सॉरी, चलो अंकिता।